क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, लास्ट वीक ज्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि पहली चीज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, दूसरी चीज मेरे पास लैपटॉप नहीं था वहां पे फिगर आउट करने के लिए कि क्या क्या वीडियोस आगे के लिए प्लान करनी है, कैसे उसको पूरा मैं स्ट्रक्चर नहीं कर पाया। तीसरी चीज, एक दो दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी। खैर, आज से दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाएगा सारा वीडियोस का। और अगर आप भी इनएक्टिव थे मेरी तरह पिछले हफ्ते इस यूट्यूब पे, तो आपको बता दूंगी हमारे चैनल पे कुछ गिवअवेज चल रहे हैं फ्रेश वाले, तो वीडियो लिंक ये रहा, चाहो तो पार्टिसिपेट जाके कर लेना। इंडिया का सबसे बड़ा जो सेल फेस्टिवल होता है वो चल रहा है फिलहाल अपने यहाँ, मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, ये वो सब जगह ऑनलाइन सेल्स चल रही हैं। और सबसे महासेल की तरह इसको प्रमोट करते हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से, बिग बिलियन डे। इस वीडियो में मैं अमेज़न को कवर करने वाला हूँ, अमेज़न के काफी सारी कैटेगरीज के अंदर जो डील चल रही है। मैंने एक पोल डाला था कुछ टाइम पहले जिसके अंदर काफी सारी चीजें पूछी थी कि भाई सेल में कौन सी कैटेगरी आप पसंद करोगे। बहुत सारी कैटेगरीज को बहुत सारा परसेंटेज आया और मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूं क्योंकि सेल कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने कहा यार अब जब लेट हो ही चुके हैं लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए डालनी है, तो मैंने एक मिक्स्ड कंटेंट टाइप की वीडियो बना दी है। ये एक कैटेगरी है लैपटॉप्स की, दूसरी है TWS की, तीसरी है स्मार्ट वॉचेस की और एक दो एक्स्ट्रा वाली डील्स, तो एक कंबाइंड वीडियो बना के डाल दी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैपटॉप से, जो सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया था कि लैपटॉप्स को लेके आओ। तो लैपटॉप्स में जो मैंने बेस्ट डील्स यहां पे छांटी हैं उसमें से पहला जो लैपटॉप है वो है HP का 15 2021 वाला एडिशन। इसके अंदर आपको राइजन 3 का 3250 मिल जाएगा, 8GB की रैम मिल जाएगी, 256GB की SSD मिल जाएगी, साथ में विंडोज 10 भी इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है 37,000 में मिल रहा है। अब देखो ये वाला जो लैपटॉप है ये मैंने रेकमेंड किया था बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 में, लेकिन इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 45,000 तक बढ़ गया था। बस उसके अंदर एक डिफरेंस था कि 1TB की SSD एक्स्ट्रा थी। तो यहां पर जो डील वाला मॉडल है वो 37,000 में विदाउट हार्ड ड्राइव मिल रहा है, मतलब कि ओनली 256GB की SSD मिल रही है। मैं यहां पे रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका स्ट्रिक्टली बजट 40,000 है तो ये वाला लैपटॉप ले लो, इसके साथ में 1TB की हार्ड ड्राइव आगे चल के जब मर्जी हो ले लेना, अभी लेना चाहो तो अभी भी इसके साथ ले सकते हो। चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आपकी मीडियम मल्टीटास्किंग रहती है, तो ये लैपटॉप सारा कुछ झेल जाएगा, बढ़िया तरीके से सारी चीजें चला देगा। इसके बाद दूसरा लैपटॉप आ जाता है गेमर्स या वीडियो एडिटर्स, इस वाली कैटेगरी के लोगों के लिए जिनको GPU की नीड काफी ज्यादा पड़ती है। ये वाला लैपटॉप है एसर का नाइट्रो 5 और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो i5 11th जनरेशन मिल जाता है, 8GB की रैम मिल जाती है, 256GB की SSD, साथ में 1TB की हार्ड ड्राइव भी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो GPU है, जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे मिल रहा है वो RTX का 3050 देखने को मिल रहा है। एक और अच्छी चीज जो इसकी डिस्प्ले है वो भी 144Hz की है और इसका जो प्राइस है वो 72,000 है। अब यहाँ पे 72,000 ऑलरेडी काफी सही प्राइस है इस लैपटॉप का, जो कि 80,000+ की रेट में अभी तक बिक रहा था। लेकिन एक और कैच है, अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो यूजुअली जो 10% का डिस्काउंट और जो छोटे मोटे बोनस चल रहे हैं, अगर आप इस लैपटॉप के ऊपर HDFC का कार्ड लगा दे तो सीधे 4,000 रुपए और ऑफ हो जाएंगे। तो ये जो 72,000 की डील है ये आपको 68,000 में मिल जाएगी। और इसके बाद भी अगर आप एक GST इनवॉइस लेना चाहते हो, अपने फर्म के नाम से परचेज करते हो, तो वहां पे भी आपको कुछ 10,000 से 12,000 रुपए की सेविंग हो सकती है। इसके बाद अगर आप इसी रेंज के अंदर ऐसा लैपटॉप देख रहे हो जिसकी स्क्रीन साइज थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, जो कि 17 इंचेस वाले लैपटॉप आते हैं, तो वहां पे भी एक डील मुझे दिखी काफी बढ़िया लगी, वो लगी MSI का GF75। अब इस वाले लैपटॉप में i7 देखने को मिलता है, जहां की अभी तक हम i5 पे चल रहे थे, यहां पे i7 मिलेगा, 10th जनरेशन मिलेगा, 17 इंचेस वाली स्क्रीन मिलेगी, डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो वही रहेगा 144Hz। बस फर्क यहां पे ये आ जाएगा कि जो RTX का 3050 मिल रहा था आपको 4GB, वो यहां पे 1650 का 4GB देखने को मिलेगा, साथ में 8GB की रैम और 512 की NVMe की SSD। और इसका प्राइस भी एग्जैक्टली सेम है, 72,999 ज्यादा है, 73,000 का प्राइस है, 4,000 आपका और ऑफ हो जाएगा अगर आप HDFC का कार्ड यूज करते हो, तो ये आपको 69,000 का पड़ेगा। तो ये वाले तीन लैपटॉप्स मुझे काफी सही लगे। इसके बाद एक बजट वाला लैपटॉप मैंने देखा था जो कि था लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3। इस वाले लैपटॉप को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो HP का हमने 15 वाला जो मॉडल अभी देखा वो राइजन में था, राइट? अगर हम उसी को इंटेल के वाले वर्जन में लेना चाहें तो लेनोवो की तरफ से ये वाला मॉडल ले सकते हैं जिसके i3 का 10th जनरेशन देखने को मिलता है, जो कि काइंड ऑफ ओके है अगर इस प्राइस को देखें तो i3 का 10th जनरेशन, 8GB की रैम, 256GB की SSD और ये
वाला जो पूरा पैकेज है विंडोज वगैरह के साथ में, ये हमको मिल जाएगा 36,000 रुपीज का। एचपी वाले में भी राइजन का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड था जो कि वेगा वाली सीरीज का था, और इसके अंदर भी इंटेल के अपने यूएसडी वाले ग्राफिक्स हैं। इन चार लैपटॉप्स के बाद सबसे बड़ा बोनेंजा जो मुझे लगा वो लगा एप्पल के मैकबुक एयर पे। 79,000 का कल बिक रहा था, आज उसका 80,000 रुपीज प्राइस हो गया मैकबुक एयर M1 जिसकी 8GB रैम और 256GB की SSD है। मजे की बात यह है कि 80,000 वाला आप अगर लैपटॉप लेते हो तो 4,000 रुपए का आपको ऑफ मिलता है, राइट? लेकिन अगर आप 1,02,000 वाला मॉडल जो इसका है, जो 512GB का 8-core GPU वाला जो मॉडल है, वो अगर आप लेते हो तो उसके बाद अगर आप HDFC का कार्ड लगाते हो तो डायरेक्टली 10,750 रुपए आपके ऑफ हो जाते हैं, जिसका मतलब वो वाला लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 91,000 रुपीज का पड़ा, और वो 91,000 रुपीज भी आप 6 मंथ की नो कॉस्ट EMI में दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया डील है। अगर आप मैकबुक के लिए रुके हुए हो ना, तो भले 10 दिन बाद नए मैकबुक प्रोज आ रहे हैं, लेकिन 90,000 में ये वाली डील एप्पल से आपको दोबारा नहीं मिलेगी, कंसिडरिंग कि इसके अंदर आप 17,000 रुपए का अभी GST का इनवॉइस क्लेम दोबारा और ले सकते हो। ये वाली आपको जो पेबल नेट अमाउंट पड़ेगा वो क्लोज टू 70,000 रुपए का मैकबुक का 8GB रैम, 512GB का स्टोरेज और 8-core GPU वाला मॉडल आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से बेस्ट डील है। इसके बाद चलते हैं डायरेक्टली फोन्स की कैटेगरी में, और इस वाली कैटेगरी के अंदर मुझे ऐसी कोई बहुत ज्यादा थंडर वाली डील्स तो नहीं मिली, लेकिन जो मुझे बेस्ट डील्स लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली डील अगेन एप्पल लवर्स के लिए, आईफोन 11 जो है वो 45 से लेके 50,000 की रेंज में जो अभी तक चल रहा था वो डायरेक्टली अब 38,999 का कर दिया है, और इसके बाद लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि HDFC का कार्ड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एक कौन यहाँ पे ये है कि सिर्फ 64GB वाला वेरियंट है ये, और इसके बाद अगर आप और ऊपर जाना चाहते हो तो उसके पैसे आपको अलग से और कुछ 5,000-5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मुझे लगा 10,000 वाली कैटेगरी के अंदर, सैमसंग का M12 9,500 रुपए का फोन है, 4GB 64GB का वेरिएंट है, 6,000 mAh की बैटरी, 8 नैनोमीटर का बना हुआ प्रोसेसर, और साथ में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, और सैमसंग की डिस्प्ले मतलब एमोलेड वाली तो नहीं है लेकिन इन जनरल भी सैमसंग की डिस्प्ले बढ़िया ही होती है। ये वाला जो पूरा पैकेज है 9,500 रुपीज का मिल रहा है, कुछ 11,500 रुपए तक का बिक रहा था। 9,500 के बाद भी 950 रुपए की विंडो है अगर आप कार्ड डिस्काउंट यूज करते हो, तो इसको देखते हुए 8,500 रुपए के अंदर भाई जो पैकेज है ना, जबरदस्त पैकेज है अगर आप स्ट्रिक्टली अंडर 10,000 के अंदर फोन देख रहे हो तो। इसके अलावा एक सैमसंग का और फोन मुझे काफी बढ़िया डील पे लगा, सैमसंग का S20 फैन एडिशन 5G वाला। ये वाला फोन जो है ना 43,000-44,000 के आसपास में यूजुअली चलता था, और इस प्राइस में भी काफी बढ़िया फोन था, लेकिन अब इसकी प्राइस कट कर दी गई है इस सेल के पीरियड के अंदर, और यहाँ पे जो प्राइस है वो कर दिए सिर्फ 37,000 रुपीज। स्नैपड्रैगन 865 के साथ में 8128 का वेरियंट है, और मतलब कैमराज भी इसके लाजवाब हैं, बिल्कुल 30x का नाइट स्काई स्पेस, पता नहीं कौन कौन से जूम है, काफी बढ़िया डील है मेरे हिसाब से। इसके बाद चलते हैं सीधा अपनी TWS की कैटेगरी में, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हम देखेंगे। एक ही पिक मुझे बढ़िया लगा यहाँ पे, वो लगा बोट का एयरडोप्स 621। अब ये वाला जो है ना, इसके अंदर बैकअप बहुत जबरदस्त देता है, वाटरप्रूफ है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, टाइप सी का पोर्ट है, 6mm के ड्राइवर्स भी है। कंसिडरिंग जो ये 2800 रुपए का बिकता था, अब ये 2,000 रुपए का मिल रहा है, और अगर आपकी कार्ड वैल्यू ज्यादा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि और कोई भी TWS जो है उन पे सेल नहीं लगी, उनके पैसे कम नहीं हुए हैं, जैसे कि बोल्ट ऑडियो FX1 वाला मॉडल है, इसके अलावा मेवी के पॉड्स हैं A25, ये वाले TWS उनमें से हैं जिनके प्राइस भले कम हुए हैं लेकिन इनके रिव्यूज और जो क्वालिटी है वो इतनी सपार है, इतनी घटिया है कि 1,000 रुपए भी आप जो डालोगे वो बेकार हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ऐसे आइटम्स क्यों हम सेल में बताएं जो कि वर्थ ही नहीं है खरीदने के किसी भी प्राइस के ऊपर। दूसरा पिक जो है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी का बड्स एयर 2, और बेसिकली ये वाला अमेजन पे अभी अवेलेबल नहीं है, ये आपको फ्लिपकार्ट पे जाना पड़ेगा, वहां पे 2500 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप पेटीएम भी यूज करते हो तो उससे 100 रुपए का कैशबैक अलग से मिल जाएगा UPI या फिर वॉलेट से। तो 2400 रुपीज के अंदर ना वो पीस भी किलर डील है, बिल्कुल साउंड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, चार्जिंग बैकअप टाइम जबरदस्त है, वो भी आंख बंद करके लेने वाली चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वॉचेस की, अब स्मार्ट वॉचेस या फिर स्मार्ट फिटनेस बैंड्स कह लो, इस रेट में यही मिलेगा। पहली चीज जो मुझे बढ़िया लगी वो लगी बोट की एक्सटेंड, 4,000 रुपए के आसपास लिस्ट हुई थी, 3500 की बिकती थी, लेकिन अब यहां पे 2200 रुपए की मिल रही है, ओनली 2200 रुपीज। बेसिकली दोबारा से एप्पल का ही रिप ऑफ है ये भी, आजकल जितने भी नए स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं सेम वही एप्पल के डिजाइन के ऊपर बनाने
हैं कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये 2200 रुपए के अंदर ना काफी सही पैकेज दे देता है। एलेक्सा भी मिल रहा है इसके अंदर, इसके अलावा स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, वाटर रेजिस्टेंस, मतलब कंप्लीट पैकेज मिल रहा है 2200 रुपए में। काफी बढ़िया डील है। दूसरी डील जो मुझे बढ़िया लगी वो लगी एमआई का वॉच, रिवॉल्व वाला, एक्टिव वाला, जो कि 7999 के अंदर मिल रहा है, जो कि क्लोज टू 10,000 रुपए के आसपास हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉइस के प्रोडक्ट्स ज्यादातर मुझे पसंद है नहीं, ना मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन एक मॉडल काफी सही लगा मुझे जो कि है कलर फिट अल्ट्रा। ये 5,000 रुपए के आसपास बेच रहे थे, अभी इसको 3,000 रुपए का कर दिया है, और ये वाले जितने फीचर्स ऑफर करती है ये वाली वॉच, ये इस प्राइस को काफी हद तक जस्टिफाई कर देती है कि कंसिडरिंग जो वैल्यू हमको दे रही है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनर का बैंड 5 जो कि 5,000 रुपए के आसपास में बिकता था, वो अब 3,000 रुपए का इस सेल के अंदर मिल रहा है, जो कि एक बेस्ट डील है, वैल्यू फॉर मनी डील है, अगर आप एक इस तरीके का बैंड यहां पे देखना चाह रहे हो तो। यार ये कुछ था आज की इस पूरी वीडियो में, सारी की सारी डील्स मैंने कंपाइल करके एक जगह आपके लिए ले आया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, कॉमन लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से यूज करके अपनी कुछ भी शॉपिंग करते हो तो आप इनडायरेक्टली सरकास्टिक सिंधी चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां से आप जो भी परचेज करोगे आपके लिए प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन हमें थोड़ी सी कमीशन मिलेगी जिससे चैनल आगे चलता रहता है। आपके हिसाब से बेस्ट डील कौन सी है इन सेल्स के अंदर नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके पिक्स कौन से हैं, आपकी शॉपिंग कार्ट कैसी दिख रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सार्केस्टिक, सी या।